टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम इसका सेक्शन वन पढ़ेंगे। सेक्शन वन बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कॉमेंसमेंट के बारे में। मैं एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड कर लेती हूँ। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहलाया जाता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। एंड इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872। और इसका इन्फोर्समेंट डे है फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872। पहले क्या था कि पहले जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हटने के बाद ये जो एक्ट है ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा और ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा। अब इसमें सेक्शन टू पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन टू क्लॉज ए बात करता है प्रपोजल के बारे में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस ही सेट टू मेक अ प्रपोजल। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए उसकी सहमति लेने के उद्देश्य से, तो इसे हम बोलते हैं प्रपोजल या हम इसको बोल सकते हैं ऑफर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी की कार खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं उसको पूछूंगी कि क्या आप मुझे अपनी कार खरीदेंगे, क्या आप मुझे अपनी कार बेचेंगे। इट इज़ अ प्रपोजल और वी कैन से इट इज एन ऑफर। सेक्शन टू भी बात करते हैं प्रॉमिस के बारे में। व्हेन द वन पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। वो व्यक्ति जिसके सामने एक प्रपोजल रखा गया था उस प्रपोजल के लिए वो अपनी सहमति दे देता है तो ये कहा जाएगा कि उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। और जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या आप मुझे अपनी कार बेचोगे और उसने कहा हाँ मैं आपको अपनी कार बेचूंगा, तो दैट इज अ प्रॉमिस। सेक्शन 2C बात करता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है उसको हम प्रोमिसर बोलेंगे और जो जिस व्यक्ति ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है उसको हम बोलेंगे प्रोमिसी। सेक्शन 2D बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक अग्रीमेंट को बनाने के लिए। सेक्शन 2D बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstence or promise is called a consideration for the promise. जब promiser की इच्छा पर promisee या कोई और व्यक्ति कुछ act करता है या कुछ act नहीं करता है तो वो जो एक्ट किया है उसने या एक्ट नहीं किया है वो हो जाएगा कंसिडरेशन। अब सेक्शन 2E बात करता है अग्रीमेंट के बारे में। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम प्रपोजल रखते हैं। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है और जब प्रपोजल और प्रॉमिस में हम कंसिडरेशन जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। अब सेक्शन 2F बात करते हैं प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वो प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, कंसिडरेशन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2G बात करता है एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड। वो अग्रीमेंट जो लॉ से फोर्स नहीं करा सकते वो वॉइड हो जाएंगे। अब सेक्शन 2H एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हम यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और हमें ये जानना बहुत जरूरी है
कि जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज H में कि वो अग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स हो सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, और वो अग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स नहीं हो सकते वो वॉइड है, जैसा कि हमने 2G में पढ़ा। अब सेक्शन 2 क्लॉज I, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल, एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है वो अग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल तो है पर किसी व्यक्ति की उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज जो हैं उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसको आगे इन्फोर्स कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, किसी और व्यक्ति की इच्छा पे नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की इच्छा पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाए, वो अग्रीमेंट कहलाएंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 2J, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, जो लॉ ने सीज कर दिए इन्फोर्स करने के लिए वो वॉइड हो जाएंगे।